सूरत शहर के उतना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भीमनगर इलाके में वर्षों से शराब का अवैध कारोबार करने वाले शराब माफिया कालू की देर रात शहर के डिंडोली इलाके में उसके घर के पास अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब वो दैनिक कार्य खत्म करने के बाद अपने घर कार से पहुंचा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके ऊपर तलवार और चाकू से अनगिनत वार कर दिए। घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लॉकडाउन खुलने के बाद शहर में हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है जिसमें शराब माफिया कालू की हत्या भी हो गई है। हत्या किन लोगों ने और क्यों की है पुलिस की तफ्तीश में ही खुलासा होगा। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सूरत से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट गुजरात तक।